नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंसर्न। विश्व में फैले वैश्विक महामारी कोविड-19 और एनआरसी में सभी धर्म के लोगों की मदद करने वाले हिकमत उल्ला खान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। पूरे विश्व में जिस तरह से फैले वैश्विक महामारी कोविड-19 और एनआरसी में प्रमुख रूप से सभी धर्म के लोगों की मदद करने वाले पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हिकमत उल्ला खान का गर्मजोशी के साथ सभी समाज के बुद्धिजीवियों, युवाओं और माताओं ने झमिया टोला स्थित बाबूजी मैरिज होम पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सामाजिक लोगों, बुद्धिजीवियों, मुस्लिम समुदाय के अलावा सभी धर्म के लोगों ने एनआरसी के दौरान दी गई सेवाओं, कोविड-19 काल के दौरान भूखे प्यासे लोगों को राशन से लेकर चिकित्सा सेवा और कोरोना काल में लोगों की मौतों को लेकर भी उनके क्रियाकर्म को सही ढंग से कोविड-19 की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करने हेतु निस्वार्थ सेवा के लिए आज भारी तादाद में समाज के लोगों ने फूलमाला, पगड़ी पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में उनको प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ाने का फैसला किया और आर्थिक रूप से तन मन धन से अपनी मोहर लगाई। एनआरसी कोविड-19 के हीरो समाज सेवी हिकमत उल्ला खान का स्वागत के दौरान खुशी जाहिर करते हुए रईस सिद्दीकी, कैरम वाले सूफी वकील मियां सिद्दीकी, यामीन सिद्दीकी, ठेकेदार और सामाजिक लोग मौजूद रहे। ये जो आज आपका स्वागत समारोह हुआ है, किस उपलक्ष्य में हुआ, क्या क्या उपलब्धियां हैं आपकी जिसको लेकर यहाँ की जनता ने आपका स्वागत किया? आज झमरिया टोले के हमारे बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, साथियों ने, माँ बहनों ने मुझको बुलाकर यहाँ पर मेरा स्वागत किया है। मेरे भाई रईस भाई, कैरम वाले रईस भाई, यामी ठेकेदार साहब और क्या नाम है, मेरे दोस्तों ने मुझको कहा कि आपको आना है, यहाँ के बुजुर्ग आपका स्वागत करना चाहते हैं। मैंने जो एनआरसी और कोविड में लोगों की मदद करी है, तो ये सारे बुजुर्गों ने आज मुझको दुआएं दी हैं और मैंने उनको यकीन दिलाया कि आगे भी इसी तरीके से मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा। आपको कहीं भी किसी तरह की बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों की आवाज़ बन के आपकी इन समस्याओं को, आपकी बात को लेकर लड़ाई लड़ूंगा, आगे रहूँगा। जैसा कि यहाँ की जनता ने कहा है कि 2022 का जो चुनाव होगा उसको लेकर लोग आप पर अपना समर्थन जता रहे हैं, अपना भरोसा जता रहे हैं, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या आपका रहेगा? अगर जिस तरीके से मुझको यहाँ पे कुछ लोगों ने प्यार मोहब्बत और कुछ इनाम भी दिया है और कहा है, जिस तरह से लोग मेरे ऊपर भरोसा जता रहे हैं, अगर यहाँ के लोग चाहते हैं तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा और उनके साथ रहूँगा। अगर वो लोग चाहेंगे तो मैं पूरी तरीके से उनकी बात का इज्जत रखूँगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहूँगा। आज जो स्वागत समारोह हुआ है, ये आपने किस उपलक्ष्य में रखा है? हमारे हिकमतुल्ला खान साहब ने जो मेहनत की है, जो कुर्बानी दी है, जो भागदौड़ की है, इनकी इतनी मेहनत कुर्बानी की वजह से हमने इनका इस्तकबाल किया है और इंशाल्लाह ये खिदमत करते रहेंगे और हम इनके लिए दुआ करते रहेंगे जब तक इंशाल्लाह ये खिदमत, हमारी दुआ हम सब बुजुर्गों की, हम सब बड़े बूढ़ों की, मोहल्ले वालों की, सबकी इनके साथ दुआएं हैं और इनका हम हिम्मत अफजाई करते रहेंगे। इन्होंने जो खिदमत की है हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं हम। इन्होंने जो खिदमत की है तो लॉकडाउन में जब भी खिदमत की है और इंशाल्लाह इनका वादा है, जब भी कोई काम आएगा हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारी खिदमत करते रहेंगे।